दोस्तों, मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आ गया हूं। मुझे पता है आप लोग इंतजार कर रहे थे मेरे इस नए वीडियो का, तो आपका इंतजार यहाँ पे समाप्त होता है और नया वीडियो मैं लेके आ गया हूं। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप लोग ऑनलाइन काम करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो दोस्तों इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, इसके बिना दोस्तों आपका बहुत काम अधूरा पड़ सकता है, इसलिए ये जानकारी मैंने सोचा कि आप लोग को दे दूं, क्योंकि मुझे भी इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैं भी ऑनलाइन काम करता हूं, आपको पता ही है। तो जाहिर सी बात है, इस चीज की मुझे भी हमेशा जरूरत पड़ती है, तो भैया आपको भी जानकारी इसकी होनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग को बता देता हूं, क्योंकि दोस्त आपको तो पता ही है कि हमारा ये नेचर है कि कोई भी जानकारी हो मैं आप तक जरूर पहुंचाता हूं, तो इसकी जानकारी मैं आपको क्यों नहीं दूं। तो दोस्तों, बस इस जानकारी को जानने के लिए, देखने के लिए आपको करना क्या है, बस सिंपल सा इस वीडियो को पूरा देखना है। बढ़ा बढ़ा के नहीं, रुक के आराम से एक जगह बैठ के इत्मीनान से देखना है, समझना है, सीखना है और फिर अप्लाई करना है, फिर काम करना है। और दोस्तों, इसके लिए मुझे कुछ चाहिए नहीं, ना ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका बस जो प्यार है, जो सपोर्ट है, जो आप लोग करते हैं हमेशा वही चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो देख क्या रहे हैं दोस्त, जल्दी से कर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। और साथ ही साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात क्या कर रहे हो, वो जो लाल बटन है दोस्त, उस लाल बटन को दबा दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर यो फोकट कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। और मैं उम्मीद यही करूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, और इसी उम्मीद के साथ कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, मैं इस वीडियो को शुरू करने जा रहा हूं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मुकेश कुमार, स्वागत करते हैं आपको डोंट वरी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कीबोर्ड 91 और साथ ही साथ दोस्तों ग्रीन वर्ल्ड से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूं और इसके बारे में पूरी जानकारी, सारी जानकारी आपको देते रहता हूं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही जबरदस्त है भैया, टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको बहुत काम आने वाला है ऑनलाइन फील्ड में अगर आप काम करते हैं तो, समझ गए। तो क्या है भाई, कौन सा टॉपिक है, क्या मैं बताने वाला हूं? अरे भाई काहे इतना हड़बड़ा रहे, मैं बता रहा हूं ना। तो आप एक बात बताइए, आप किसी भी फील्ड में काम करते हो, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, है ना, तो दोस्त उस काम से रिलेटेड आपके पास एक डेटा रहता है। कैसा डेटा, मतलब ऐसा डेटा जो आपको काम करने में मदद करता है, काम करने में सहूलियत देता है। अगर वो ना रहे तो आपका काम नहीं हो पाएगा, होता है कि नहीं, सभी लोग के पास होता है, अलग अलग टाइप का काम होता है तो अलग अलग टाइप का डेटा होता है, रहता है कि नहीं दोस्तों। ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि दोस्तों वो डेटा खराब हो जाए या वो डेटा कहीं भुला जाए, क्योंकि आप लोग ऑफकोर्स उस डेटा को या तो फाइल में रखते होंगे सेव करके, चाहे ऑफलाइन फाइल हो चाहे ऑनलाइन फाइल हो, कहीं ना कहीं उसको सेव करके आप रखते होंगे कि भैया ये भुलाए ना, क्योंकि इसी से मेरा काम होता है। अगर सपोज कीजिए कि वो डेटा कहीं ना कहीं भुला जाए, खराब हो जाए, गुम हो जाए, दोस्त एक बात बताइए तब क्या होगा, क्योंकि दोस्तों आपको ही सिर्फ पता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए था, है कि नहीं दोस्त। इसी के लिए कि आपका डेटा जो है कहीं ना कहीं गुम हो जाए, भुला जाए, इससे बचने के लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूं कि आपको क्या करना है। और चूंकि दोस्तों आपको पता ही है कि मैं कीबोर्ड 91 और ग्रीन वर्ल्ड से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं, इसीलिए दोस्तों मैं इसका एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा। ठीक है, वैसे तो कुछ भी डेटा आप वो सेव करके रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका एग्जांपल मैं ले रहा हूं क्योंकि इसमें मैं काम करता हूं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ गए हैं। तो दोस्त अब मैं आपको बता रहा हूं वो कैसे करना है। सपोज कीजिए दोस्तों कि कीबोर्ड 91 में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, और दोस्तों कीबोर्ड 91 में आपको बहुत अच्छा इनकम हुआ है, और जाहिर सी बात है दोस्तों आप लोगों को ज्वाइन करवाएंगे उस इनकम को दिखा करके कि देखो भैया हमको यहां से इतना इनकम हुआ है, आप लोग भी ज्वाइन करेंगे तो आप भी यहां से इतना कमा सकते हो। तो आप क्या करेंगे, वो जो इनकम है जो आप दिखा के लोगों को ज्वाइन करवाना चाहते हो उसको क्या करेंगे, उसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, है ना, लोगों को देने के लिए, बताने के लिए, दिखाने के लिए आप उसका स्क्रीनशॉट लेंगे। और दोस्त वो जो स्क्रीनशॉट है वो कहां से होता है, आपके मोबाइल से होता है। अब दोस्तों मान लिया जाए कि आपका मोबाइल गुम हो जाए, आपका मोबाइल खराब हो जाए, या दोस्त घर में छोटा बच्चा है वो आपका मोबाइल देखता है, कार्टून चैनल देखता है यूट्यूब में जाकर के, दोस्तों वो अपने टाइप का चैनल वीडियो देखता है, गलती से उसी से वो डिलीट हो जाए, उसको क्या मालूम है कौन सा इंपॉर्टेंट डेटा है क्या है, उसको तो कुछ नहीं मालूम है, गलती से वो डिलीट हो जाए। ठीक है दोस्तों, तब क्या कीजिएगा। तो दोस्त इसके लिए मैं आपको सोल्यूशन देने आया हूं, ये बताने आया हूं कि आप क्या कीजिएगा,
ठीक है। और दोस्त वैसी बात आता है ग्रीन वर्ल्ड में, कि मान लीजिए कि ग्रीन वर्ल्ड में जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे आईडी क्रिएट किया जाता है और आप खुद का अपना आईडी अनलिमिटेड बना सकते हैं, ठीक है। ये ग्रीन वर्ल्ड का जो है ऐसा सिस्टम है, ठीक है। तो जो लोग नहीं काम करते उनको पहले समझना होगा ग्रीन वर्ल्ड क्या होता है, ठीक है। दोस्त वहां पे ऐसा सिस्टम है कि आप अपना खुद का मैक्सिमम कितना मन आईडी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब क्या है कि जितना भी आईडी आप सबमिट करके जो है आता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, आप रजिस्ट्रेशन करते हो, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका आईडी बनता है। तो मान लिया दोस्तों कि आप 15-20 आईडी यहाँ पे लगा लेते हैं, तो 15-20 आईडी को माइंड में रख पाना बड़ा मुश्किल काम है कि नहीं। अब उसके लिए आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं उसको सेव करोगे, ताकि भैया आने वाला भविष्य में हो सकता है उस आईडी से हमको इनकम हो, तो कम से कम आईडी या पासवर्ड मेरे पास रहेगा, तभी तो ओपन मैं करूंगा, देख पाऊंगा कि चलो इनकम यहां से हुआ है। क्योंकि काम तो मैं एक ही आईडी से करूंगा, है ना, काम तो एक ही आईडी से करूंगा, 15-20 आईडी से तो करूंगा नहीं, उसमें तो लेबल इनकम आते रहेगा, मतलब ऑटो इनकम आते रहेगा। लेकिन वो पैसा कैसे निकालिएगा, जब आईडी आपके पास रहेगा तब ना निकालिएगा, तब अब बताइए कि उतना तो याद नहीं रहेगा, माइंड में उतना तो है रहेगा नहीं, क्योंकि माइंड में भाई ये इसी का टेंशन थोड़ी है, बहुत टेंशन है, बाल बच्चा के टेंशन, पत्नी के टेंशन, इधर का टेंशन, उधर का टेंशन, है ना। तो भैया टेंशन है तो कैसे रहेगा, नहीं रहेगा। तो वही मैं बताने वाला हूं कि आप क्या कीजिएगा। तो सपोज कीजिए, मान लीजिए कि आप जो है क्या करते हैं कि ग्रीन वर्ल्ड के लिए जो आपको लिंक मिलता है उससे आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, आपका आईडी और पासवर्ड क्रिएट होता है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या कीजिएगा, इसको कैसे सेव करना है, क्या करना है, भैया इसको तो बताने के लिए मैं अपने मोबाइल में आपको लेके चलूंगा, वहां पे आपको बताऊंगा, तो आप ज्यादा अच्छा से समझ सकते हैं, सारा प्रोसेस आपको वहां पे दिखाऊंगा, समझ गए। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको अपने मोबाइल में लेके चलता हूं और वहां पे आपके सारा चीज बताता हूं। तो ध्यान से दोस्तों एक जगह बैठ के आराम से घर में जाके वीडियो देखिएगा, तभी समझ पाइएगा। मैं ये जानता हूं बहुत लोगों को आता होगा, लेकिन बहुत ऐसे मेरे भाई जिनको नहीं आता, क्यों, क्योंकि हमें कॉमेंट बहुत लोग किए हैं कि सर प्लीज बताइए इसके बारे में। तो मेरा तो फर्ज बनता है ना दोस्तों कि जो लोग पूछ रहे हैं उनको हम बताएं, है कि नहीं। तो चलिए अब मैं बता रहा हूं आपको, अपने मोबाइल में ले जाऊंगा, वहां पे आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको सेव किया जाता है, ठीक है। तो इंतजार किस बात की, चलिए मेरे मोबाइल में। तो दोस्तों मैं अपने मोबाइल में आ गया हूँ, आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल का इंटरफेस आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि आप अपने जीमेल पे, ईमेल आईडी पे कैसे सेव करके रख सकते हैं आपका इंपॉर्टेंट डेटा। हालांकि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कीबोर्ड 91 और ग्रीन वर्ल्ड का, वैसे कुछ भी आप सेव करके यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, परमानेंट यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो चलिए प्रोसेस जान जाइए जो कैसे किया जाता है, इसकी जानकारी आपको हो जाएगी, तो कोई भी चीज़ आप सेव करके आराम से रख सकते हैं, इमेज हो, फोटो हो। जो होता है क्या है ना दोस्त, कि बहुत लोग का मोबाइल जो है ज़्यादा डेटा रन कर हैंग करने लगता है, तो उसको आप सेव कर दीजिए, सिंपली है ना। तो चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना होता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, उसके लिए अपने को ईमेल आईडी खोलना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं ओपन, पहले अपना जो ईमेल आईडी है मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें दोस्तों ये गूगल में ये ईमेल आईडी जीमेल मिलता है, आप देख सकते हैं जीमेल यहाँ पे है, सभी लोग के मोबाइल में मिलता है, कोई जो है ऐसा कुछ बात नहीं है, सभी लोग के मोबाइल में ऑलरेडी ये रहता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। जीमेल पे मैं क्लिक कर दिया, चलिए मैं जीमेल पे यहाँ पे आ गया हूँ। दोस्त जाहिर सी बात है इसी तरह का इंटरफेस आपको भी खुलता होगा, ओपन होता होगा जब आप जीमेल खोलते होंगे तो, ठीक है। अब स्टेप सीख लीजिए करना क्या है, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्त, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर लिखा हुआ है कंपोज, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कंपोज, तो इस कंपोज पे क्लिक करना है, ठीक है। अब कंपोज पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि दोस्तों यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में आप एक चीज़ जरूर टाइप कीजिएगा, लिखिएगा इम्पोर्टेंट डेटा, मतलब जितने भी बार आप से सेव कीजिएगा उतना बार आप सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट डेटा लिखिएगा। उससे क्या होगा कि आप कभी भी अगर जीमेल को खोलिएगा दोस्तों तो इम्पोर्टेंट डेटा लिखिएगा, तो वहाँ इम्पोर्टेंट डेटा में जितना भी आपका सेव किए होंगे फाइल सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट डेटा मैंने लिख दिया, मैं आपको अभी दिखा दूंगा, वो भी दिखा दूंगा, चिंता नहीं कीजिए, इम्पोर्टेंट डेटा लिख दिया। अब दोस्त यहाँ पर कंपोज ईमेल पर मैंने क्लिक कर दिया, अब देखिए दोस्त करना क्या है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, भैया आ जा यहाँ पर आ जा दोस्त, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इमेज जैसा कुछ दिखाई दे रहा होगा, 1 2 3 ये तीसरा नंबर, देखिए मैं कर्सर को यहाँ पे ले गया हूँ, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे। अब दोस्त यहाँ पे जाके इसको क्लिक करना है, ठीक है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया है। अब दोस्त यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है, अटैच फाइल, ठीक है। तो अटैच फाइल पे मैं हम जाएंगे, अटैच फाइल पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो फाइल है, आपका जो मोबाइल है वहाँ पर ये लेके आ जाएगा, ठीक है। दोस्त आपको सिंपली यहाँ से क्या करना है कि आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि भैया यहाँ से कौन सा मैं सेव करूँ, तो कोई बात नहीं है दोस्त, मैं आपको बता देता हूँ बहुत ही आसान तरीका है यहाँ पे दोस्त, ये आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पे एक काम कीजिएगा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो 3 डॉट्स लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गैलरी लिखा होगा, ठीक है, गैलरी से क्या होता है कि आसानी हो जाता है भैया कौन सा इमेज हमको सेव करना है, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे देखिए गैलरी यहाँ पे होगा, नीचे आइए थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए गैलरी लिखा हुआ, ठीक है,
तो इस गैलरी में हम जाएंगे। गैलरी में जाने के दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा जो आपका है यहाँ पे खुल गया, ओपन हो गया। तो जाहिर सी बात दोस्तों, जिसका मैं स्क्रीनशॉट लिया हूँ उसको सेव करना है। तो मैंने यहाँ पे दो चीज़ का स्क्रीनशॉट लिया हूँ, एक तो कीबोर्ड 91 का इनकम वाला, और दूसरा है दोस्तों जो मैंने रजिस्ट्रेशन किया था ग्रीन वर्ल्ड में उसका जो है आईडी और पासवर्ड। ठीक है, तो चलिए मैं वो दिखाता हूँ कैसे करना है, तो बारी बारी से करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप दिखा देता हूँ मैं आपको, कहाँ गया मेरा कर्सर भाई, आजा भाई जल्दी से, ना आजा यार लेट मत कर यार, मेरे दोस्तों को लेट हो रहा है, देखिए ये फिर से भाग गया दोस्त। चलिए कोई बात नहीं है, मैं फटाक से आ जाता हूँ यहाँ पे, मैं तो चूँकि पता ही हमको, तो फटाक से यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है दोस्त, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे ये जो लिखिए यहाँ पे है, ये सेव किया हुआ जो हमें स्क्रीनशॉट लिए थे इस पर मैंने क्लिक कर दिया, आपको भी ऐसे ही क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डन कर देना है। डन करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे ये आ गया है। ठीक है, मैं इसको हाइड करके रखा हूँ दोस्तों, किसी का इनकम क्यों देखना है दोस्त। चलिए मैं, चूँकि इनकम बहुत कम है यार, फिर भी मैं हाइड करके यहाँ पर रखा हुआ हूँ प्राइवेसी के लिए। ठीक है, यूट्यूब कभी कभी जो है इस तरह का बैन कर देता है इस तरह से, इसलिए प्राइवेसी जरूरी है। ठीक है, आप लोग समझ जाओगे क्या मैं कर रहा हूँ दोस्त। यहाँ पे मैंने ये रख दिया है। अब दोस्तों सिंपली सा क्या करना है, यहाँ पे ये तो आ गया है, अब ये भाई साहब जो है आ नहीं रहे हैं दोस्त। यहाँ से क्या करना है दोस्त, बैक अगर हो गए तो देखिए यहाँ पर सेव हुआ कि नहीं हुआ, मैं दिखाना चाहूँगा दोस्त। आप देख लीजिए यहाँ पर, मैंने आपको दिखाया नहीं, यहाँ पर दोस्तों क्या करना है कि जैसे ही डन होगा, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे कंपोज आप करेंगे, कोई भी चीज़ यहाँ पे करेंगे ला देंगे, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, बैक कर देना है। यहाँ से सिंपली बैक कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। ठीक है, अब बैक करने से सेव होता है दोस्त, मैं एक और करके दिखा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं हो पाया, कोई बात नहीं है, चिंता नहीं कीजिए। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि मेरा सेव हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ देखेंगे। तो सिंपल सा है, इस थ्री डॉट लाइन पर जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है ड्राफ्ट। ठीक है, ड्राफ्ट लिखा हुआ है, ये ड्राफ्ट क्लिक कीजिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ इंपॉर्टेंट डेटा करके आ गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेटा करके यहाँ पे आ गया, देखिए ये इसको ओपन करेंगे, ओपन करेंगे दोस्तों, देखिए ये खुल गया है ना, बस इसको क्लिक कीजिएगा, ये आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, ये देखिए खुल गया। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से एक दिखा रहा हूँ वो वाला ग्रीन वर्ल्ड वाला सेव करके, सेम प्रोसेस है, प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं है। ये कंपोज पे जाएंगे, कंपोज पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो लोग नहीं ध्यान से दिए हैं फिर से देख लीजिए, यहाँ पे सब्जेक्ट में अपना इंपॉर्टेंट डेटा हम लिख देंगे। ठीक है, तो भैया आराम से देख लीजिए, मैं कहता हूँ कि टाइम मिले तो ही वीडियो देखिएगा, क्योंकि हड़बड़ा के देखिएगा कुछ नहीं सीख पाइएगा। कंपोज यहाँ पे सेव कर दिए। अब फिर से दोस्त यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अजय भाई इस पर क्लिक करते हैं, ये इमेज वाला जो यहाँ पे है इसको अटैच फाइल पे जाएंगे, उसके बाद दोस्त यहाँ पे क्लिक करेंगे थ्री डॉट लाइन पे, और दोस्त नीचे करेंगे यहाँ पे गैलरी होगा दोस्तों, गैलरी में जाएंगे, उसके बाद दोस्त यहाँ पे जो ग्रीन वर्ल्ड मेरा जो स्क्रीनशॉट है यहाँ पे क्लिक करेंगे, डन कर देंगे, ये आ गया। ठीक है, अब दोस्त कुछ नहीं करना है, ओके, अब सीधा बैक हो जाना है, यहाँ से बैक हो जाना है। चलिए, हर किसी के मोबाइल में बैक होने का सिस्टम होता है, मैंने यहाँ पे बैक कर दिया, ये बैक हो गया यानी कि सेव हो गया। अब दोस्त यहाँ पे हमको देख लेते हैं कि भैया सेव हो गया कि नहीं, जाहिर सी बात है हम ड्राफ्ट में जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट डेटा के नाम से एक और आ गया यहाँ पे, ये सेव हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको खोलेंगे ओपन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है दोस्तों, ये आप करके रख सकते हैं, समझ गए। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको इसलिए बोला था इंपॉर्टेंट डेटा लिखने के लिए कि मान लिया जाए कि यहाँ पे दोस्तों आपको सर्च करना है भैया कि कहाँ है, तो सिर्फ सर्च ईमेल जो है, जैसे ही आप खोलिएगा ईमेल को ओपन कीजिएगा, तो सर्च इन ईमेल्स पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट डेटा टाइप कीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पर टाइप कीजिएगा, तो दोस्त यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। इंपोर्टेड डेटा यहाँ पे लिखिएगा और यहाँ पे सर्च मार दीजिएगा, ये देखिए आ गया ना इंपोर्टेंट डेटा के नाम से, ड्राफ्ट में दो गो फाइल है, तो ढूंढने का भी कोई दिक्कत नहीं है, बस इंपोर्टेंट डेटा रहेगा, नाम याद रखिएगा कि उस नाम से सेव किया, इंपोर्टेंट डेटा के नाम से सेव कर लीजिएगा और बस सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो दोस्त यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा टाइम मैं ले लिया आपका, लेकिन कोई बात नहीं है दोस्त, आराम से मैं समझा पाया हूँ, इतना तो मुझे विश्वास है। अगर मैं समझा पाया हूँ आराम से आपको दोस्तों, आप लोग समझ पाए हैं तो प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों कि हाँ सर मैं समझ गया हूँ, ताकि मुझे कन्फ्यूजन बना रहता है। ठीक है, तो दोस्तों आपने देख लिया यहाँ पे, मैंने आपको दिखा दिया इस वीडियो के माध्यम से कैसे सेव किया जाता है। तो दोस्त ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो लेके मैं हमेशा आता रहूंगा, प्लीज आपका सपोर्ट आपका प्यार यूं ही बना रहा है। दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेगा अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तो इस वीडियो के समाप्त करते हैं, जय हिंद, जय भारत, जय कीबोर्ड 91, जय ग्रीन वर्ल्ड।